ठीक है। तो अगर तुम लोगों को दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है, तो दो रेखाओं के लिए तो मैं बता नहीं रहा तुमको, है ना, क्योंकि कर लोगे आराम से। या तो प्रतिस्थापन लगा लेना या कौन सी लगा लेना, विलोपन। तुम लोगों को जो पता लगाना है वो लगाना है तीन रेखाओं के बीच का। तीन रेखाएं A1, A2 एंड A3, A1x, B1y प्लस C1 = 0। ये C1 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। A2x, B2y, C2 = 0 और A3x प्लस B3y प्लस C3 = 0 हमें चाहिए होते हैं एक्स वाई के मान इन तीनों इक्वेशन से। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग वज्र गुणनखंड से ही निकालोगे, और विलोपन भी लगा सकते हो किन्हीं दो दो के बीच में, है ना। और अगर वज्र गुणनखंड लगाना है तो सबसे पहले आएगा एक्स, एक्स के अपॉन में स्टार्ट करेंगे हम लोग B1 से, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1। फिर बाय के बटे में आ जाएगा, बाय के बटे में C1 से स्टार्ट करेंगे, बाय के बटे में C1 से स्टार्ट करेंगे, तो C1 के जस्ट बाद कौन आएगा, A आएगा। तो C1 के साथ कौन आएगा, A2 माइनस C2 के साथ कौन आएगा, A1। और इसको अचर के बराबर मतलब बन के बराबर करते हैं। तो C का सबसे पहले B से स्टार्ट किया था, B से C पे आ गए, C से A पे आ गए, अब A से कहाँ जाएंगे, B पे। तो A1 से स्टार्ट करोगे तो कहाँ पे जाओगे, B2 पे, और फिर A2 में A2 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, B1 का, ठीक। और ये जब हम लोगों के पास आ जाएगा तो एक बार x के वैल्यू को इस कांस्टेंट के बराबर कर देंगे, इस y के वैल्यू को इसके बराबर कर देंगे, x और y के क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। अपने को जो अच्छी लगेगी मेथड अपन वो वाली यूज करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, वज्र गुणनखंड विधि। हुए हैं तीन दिए हुए ना, इनमें हमसे ये वज्र गुणनखंड तो लगा ली हमने। वज्र गुणनखंड लगाने के बाद हमसे पूछा जाएगा क्या ये रेखा है संगामी है, क्या रेखा है संगामी है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो हम एक्स वाई के मान निकालेंगे ना, उसको हम समीकरण नंबर 3 में रख के देख लेंगे। एक्स वाई के मान कहां पे रख के देख लेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो जरूरी नहीं कि तुम वज्र गुणनखंड लगाओ, एक और दो इक्वेशन, एक और दो को लगा के उनके दोनों के कट बिंदु निकाल लो और उन बिंदुओं को 3 में रख के देख लो, है ना, उससे पता लग जाएगा कि वो संगामी है या नहीं है। सीधा क्वेश्चन करते हैं, सरल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर दो में सरल रेखा का समीकरण दिया है, 2x ऋण 3y (-5) = 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन दूसरा है 3x 4y - 7 = 0, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा दिया हुआ है 9 5 8 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें यह बोला गया है तुमसे संगामी है, क्या है ये संगामी है, और संगमन बिंदु ज्ञात करो, संगमन बिंदु ज्ञात करो। तो देखो इक्वेशन समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में 3 का गुणा और इस वाले में कितने का गुणा, 2 का गुणा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, है ना। तो 9 और 8 17 और 14 15 1, वो भी कैसा, नहीं दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो 29, वो भी माइनस का, बाय का मान आ जाएगा माइनस का 29 बटा कितना 17, प्लस का है ना, प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है, तो बाय का मान आ गया ये
अब ये जो समीकरण हम बनाते हैं इनमें कभी भी वैल्यू नहीं रखते है ना, वरना गलत हो जाएगा। हमेशा ये जो वैल्यू है वो किसमें रखते हैं, जो हमारे शुरू वाले समीकरण थे है ना, तो यही है हमारे रियल वाले जो शुरू के समीकरण है, इनमें से किसी में भी वाई का मान रख दो। तो फर्स्ट वाले में ही रखते हैं, समीकरण नंबर किससे, एक से। पहले क्या ब्लूपन में यही गलती होती थी कि ये जो नए बने होते हैं ना, कई लोग इसमें ही रख देते हैं, तो फिर वो आंसर गलत हो जाता है ना। तो ये एक्स का वाई का मान कहाँ रखना पड़ेगा, ये पहले और दूसरे में से किसी में भी रख दो। तो इसमें रख रहे हैं 2x मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई कितना 29 बटा कितना 17 और बराबर में है माइनस का 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 5 प्लस का कितना 9 × 27 की 7 हासिल का 2, 3 × 2 = 6 और 2 कितना 8 बटे कितना 17, 17×5 = 85। 85 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा 1/2/17। एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/17। एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया, इसको उठा के कहाँ पे रख दो, समीकरण नंबर 3 में। ये हमारे संगमन बिंदु भी कहलाएंगे, दो रेखाओं को जो हमने काट के निकाला है तो ये हमको क्या मिलेंगे, जो इन्होंने पूछा था संगमन बिंदु, तो ये संगमन बिंदु भी है और इनको समीकरण 3 में रख देंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे कि रेखाएं क्या है, संगामी भी है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन भी करो और इनको उठा के समीकरण नंबर 3 में रखो और इन दोनों बिंदुओं को एक ब्रैकेट में लिखने के बाद लिख लेना कि ये संगमन बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, और फिर समीकरण नंबर 3 में ये मान रख दो, दो दी हुई रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो अगर दो रेखाएं हैं तो कंफर्म है उनकी प्रवणताएं भी होंगी। तो मान लो पहले वाले की प्रवणता है क्या, m1 बराबर tan अल्फा, और दूसरे वाले की क्या है, m2 बराबर बोल सकते हो tan बीटा। ठीक है, दोनों में प्लस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग है ना, दोनों में प्लस और माइनस वाला हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां से थीटा का टेन थीटा का फॉर्मूला याद रख लो, टेन थीटा का फॉर्मूला याद रख लो, टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 वन माइनस वन प्लस m1 m2। और ये फॉर्मूला निकल के कहां से आएगा, तो वो तुम्हारे पास अल्फा माइनस बीटा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन वन प्लस tan अल्फा इंटू। तो तुम लोगों को ये याद नहीं रखना, तुम लोगों को याद रखना ये वाला, क्योंकि वो प्रवणता देंगे तुम लोगों को और प्रवणता देंगे तो फिर यही फॉर्मूला याद रखना है ना, तो यही आ जाएगा। और इसको ऐसे करके लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इतना ही याद रखो, इसके अलावा ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कोई काम का नहीं है हमारे है ना। ये वाला फॉर्मूला याद रखो और उसके अलावा इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स में उधर ही जा रहा है बस, उसके अलावा तो कुछ वो नहीं रहा है ना। तो इतना ये फर्स्ट ये लिख लो, दो रेखाएँ के बीच का कोण ज्ञात करना, दो दी हुई रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक, और मैंने क्या क्या बताया था तुम लोगों को, अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, दोनों रेखाएं अगर लंबवत है तो कंडीशन क्या होती है, अगर दो रेखाएं लंबवत है तो m1 और m2 का जो गुणा है वो -1 के बराबर होता है, और अगर दो रेखाएं समानांतर है तो क्या होगा, m1 का मान m2 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन मैंने पहले ही लिखवा चुका हूँ तुम लोगों को कि अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत है तो उन दोनों की प्रवणताओं का गुणा जो है -1 के बराबर होता है, और अगर दो रेखाएं समानांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब इन केस अगर हम लोगों को दो रेखाओं के समीकरण, ये लिख लिया सभी ने, सिर्फ यही एक फॉर्मूला रखो, बाकी को सब मैंने लिखवा रखा है, बाकी कोई काम की चीज़ नहीं है। दो रेखाएं अगर दी हुई है मान लो है ना, और उसमें हम लोगों को दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, तो हमें जो फॉर्मूला है वो तो m1 m2 वाला पता है, तो उन रेखाओं के बीच उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो हेडिंग में क्या लिख लोगे, x और y के गुणांकों के पदों में दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना।
लिख लो, हेडिंग में लिख लो, हेडिंग में लिख लो एक्स और वाई के गुणांकों के पदों में, एक्स और वाई के गुणांकों के पदों में दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम लोगों को रेखाएं जो है वो कुछ इस तरीके से दी जाएगी, है ना, और इनके बीच का जो कोण हमें ज्ञात करना है उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए टू बी वन माइनस ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू अपॉन वन प्लस सॉरी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट वहां से ए वन बी वन और ए टू बी टू इनके सबके मान निकाल के सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये रेखाएं जो दी हुई रेखाएं हैं समीकरण एक, समीकरण एक व दो परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत है, तो इनके लिए क्या कंडीशन होती है कि नीचे वाला जो a1 वन इंटू ए टू है और जो b1 वन इंटू बी टू है इन दोनों का जो मल्टीपल है वो बराबर आ जाता है जीरो के, और समीकरण एक और दो अगर समांतर हैं, समीकरण एक व दो अगर क्या है समांतर है, समांतर है, तो a1 वन अपॉन ए टू बराबर आ जाता है b1 वन अपॉन बी टू के। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। इनके हमें जो भी कंडीशन दी जाएगी, अगर समीकरण कुछ इस टाइप से है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, और इनकेस अगर प्रवणता के रूप में दी हुई है तो फिर हम लोग प्रवणता वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर पहला लिखो इसका, जल्दी से एंगल का वैल्यू निकाल दो, लिख रहे हो ये अभी, चलो रेखा बाय बराबर तीन एक्स धन सात और दूसरी दी हुई है तीन बाय ऋण एक्स बराबर आठ, ये दो रेखाएं हैं, इनके लिए जो थीटा का वैल्यू आएगा टेन इनवर्स चार बटा तीन, जल्दी से इसको निकाल के दिखा दो, खत्म हो जाएगा हमारा काम अभी, प्रवणता देंगे तो प्रवणता वाला तो दिया नहीं है।